नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार की रात से हुई झमाझम मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर हुआ जलमग्न। लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई बारिश सड़कों और गलियों में लगा घुटने तक पानी। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हुई जल जमाव की स्थिति। शहर में बारिश के पानी को 2 से 3 घंटे के अंदर करा दिया गया खाली। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मंडल में बनाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय। श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी सुविधा। आने वाले दिनों में सभी जनपदों में विद्यालय बनाने का है लक्ष्य। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर मथुरा के कासिम व वाहिद की 15,82,000 रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। की जा रही है आगे की कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। श्रम विभाग की योजनाओं की प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में की मंडलीय समीक्षा बैठक। श्रम विभाग की योजनाओं का श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मूसलाधार बारिश में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी दलबल के साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एक कार में बियर पीते हुए मिले युवक, कार को तत्काल सीज करके भिजवाया गया यार्ड। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पूरे शहर में गलत नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों और काले फिल्म लगाए फोर व्हीलर की गई चेकिंग। उतरवाया गया काले फिल्म, सभी वाहनों का किया गया चालान। जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने भारी वर्षा की दी चेतावनी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले 2 दिनों तक है भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। बुधवार से ही पूरी रात झमाझम बारिश से पूरा शहर पानी से डूब गया। नालों में पॉलिथीन और कचरे से पानी का बहाव पूरी तरह से प्रभावित होने के कारण सड़कों और गलियों में घुटने तक पानी लगा हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई तथा लोग घरों से निकलने में असमर्थ दिखे। शहर के कई दुकानों में पानी दिखाई दिया। आपको बता दें कि विजय चौक, धर्मशाला, फ्लाईओवर, जिला अस्पताल रोड, जटाशंकर, नकहा सहित शहर के अधिकांश हिस्सों पर पानी भरा रहा, जिससे लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब इसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के पानी से जल जमाव उत्पन्न हुआ। लेकिन नगर निगम की टीम, अवर अभियंता, सहायक अभियंता, जोनल अधिकारी सहित सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर हुए जल जमाव की समस्याओं को देखा। उन्होंने बताया कि धर्मशाला, एम्स, महवा, सब्जी मंडी, इन जगहों पर काफी दिक्कत हुई और बताया कि मोटर पंप पूरे शहर में 244 पॉइंट पर लगे हैं। बारिश होने पर इस पंप को चालू कर दिया, जिससे कि शहर में हुए जल जमाव को 2 से 3 घंटे के अंदर बारिश के पानी को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मूसलाधार बारिश लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, Thank you.
कहता है पानी की कमी है। ये देखिए बारिश आते ही ये मेन मार्केट है विजय चौक का, यहाँ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश रुके हुए आधा घंटा हो चुका और ये हाल है। देखिए कल और आज दोनों दिन मिलाकर इसको आप बारिश नहीं कर सकते हैं या कोई सामान्य बारिश नहीं, ये एक अतिवृष्टि थी। और सुबह 8 बजे आज 15 तारीख को सुबह 8 बजे लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो चुकी थी। और उसके बावजूद जैसे कि जो कल बारिश हुई थी शाम, ये कह सकते हैं कि 2 या 3 घंटे के भीतर पूरे शहर से जो पानी की निकासी, पानी ड्रेन आउट हो गया था। लेकिन कल आज रात जो बीती है उसमें रात भर मूसलाधार बारिश होती रही, जिसकी वजह से शहर के कई क्षेत्रों में बारिश का पानी जो है विभिन्न कारणों से एकत्र हो गया। लेकिन नगर निगम की टीम 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमारे समस्त अवर अभियंता, हमारे सहायक अभियंता, हमारी जो जोनल ऑफिसर, हमारे जो अन्य अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण थे, सभी लोग 4 बजे तक फील्ड पे आ गए थे। मैं खुद सबको देखकर, हम लोग कंट्रोल रूम से और अन्य जगहों फील्ड पे जाकर इनको लीड कर रहे थे। और कुछ जगहों पे शुरुआत में दिक्कत हुई थी, जैसे कि एक धर्मशाला पे, एक एम्स के सामने, एक सब्जी मंडी जो महवा है वहाँ पर, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बरसा कि उस पानी को जो जिस तेज़ी से पानी बरस रहा था और जिस तेज़ी से पानी के ड्रेन आउट हो रहा था उसमें एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। इसीलिए पानी जो कई जगहों पर नाला ओवरफ्लो करने लगा था कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। लेकिन जैसे ही बारिश, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनका जो रूट था एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर था। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे के करीब जो है पानी बंद हुआ है, उसके बाद 2 घंटे के भीतर पूरे शहर से पानी जो है निकल गया। हम लोगों ने जो विभिन्न जो हमारे पास मशीनें थी उनको लगाई ही, प्लस जलकल विभाग में जो हमारे वाटर को सक करने वाली सक्शन मशीनें हैं उनको भी हमने विभिन्न जगहों पर लगा रखा था और उसके माध्यम से उस पानी को हम लोगों ने सक करके निकलवा दिया। तो निश्चित रूप से इस वक्त जो है पूरे शहर में पानी नहीं है। शहर में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ की जो बहुत ही लो लाइंग एरिया हैं और जब बरसात का पानी होता है तो वहाँ पर पानी जो है वो तुरंत भर जाता है। लेकिन हमारे पंप जो हैं इस वक्त शहर में लगभग 244 पॉइंट्स पे हमारे जो पंप हैं लगे रहते हैं। जैसे भी बारिश, हल्की सी भी बारिश होती है, सबको आदेश दिए गए हैं, हर जगह ड्यूटी लगी हुई है, तत्काल वो पंप जो है ऑन कर दिए जाते हैं। तो जो पंप ऑन करने से जैसे भी पानी जितना इकट्ठा होता है वो पंप उन पानी को नालों में फेंकते रहते हैं और ज़्यादातर जो पानी है नालों के माध्यम से होते हुए बड़े नालों में जाकर फिर जो आपकी राप्ती रोहिणी नदी है रामगढ़ ताल से होते हुए जाकर उसमें गिरता है। तो इस बार निश्चित रूप से मैं नगर निगम के अपने समस्त साथी अधिकारीगण, अपने साथी कर्मचारीगण, जलकल की पूरी टीम, सभी को अपनी तरफ से इससे जो इन्होंने जो मेहनत किया है रात भर और आज जो किया है उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा और अपेक्षा भी करूँगा कि इसी प्रकार से वो लगातार वो जो मेहनत करते रहेंगे और जो इस प्रकार की जो मुश्किल जो घड़ियाँ हैं उनको वो सफलतापूर्वक उससे भी वो लोग पार हो जाएंगे। देखिए पानी ये जो आप कह रहे, अभी आप देख रहे हो कि इतने दिन में शहर में कहीं पानी लगा, लेकिन जो ये पानी बरसा है 145 मिलीमीटर से ऊपर पानी बारिश हुई है। ऐसी बारिश लोग अभी जो मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जब कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा तो ये बहुत स्वाभाविक जो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और एक जो निकलने की कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप पानी यहाँ पर लग जाएगा। मैं किसी अन्य शहरों का दृष्टांत नहीं देना चाहूँगा, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो आप भी देख लीजिए कि हर वो बड़ा शहर, चाहे हमारे प्रदेश में हो चाहे हमारे प्रदेश से बाहर, 15 से लेकर 20 मिलीमीटर के पानी में वहाँ पे कारों के बहने की नौबत आ गई। लेकिन पूरे गोरखपुर में इतनी ज़बरदस्त बारिश होने के बावजूद, मैं खुद इसको कहता हूँ पानी लगा, लेकिन 2 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के भीतर हर जगह से पानी जो है ड्रेन आउट हो गया।
प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व श्रमिक सुधार के क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला लिया है। यह विद्यालय नवोदय की तर्ज पर रहेगा। 1250 करोड़ की लागत से हर मंजिल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। इसको नवोदय की तर्ज पर चलाने का फैसला सरकार ने लिया है। विद्यालय में श्रमिक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 1000 बच्चों को वहां पर रखने की सरकार व्यवस्था कर रही है। वह बच्चे वहीं पर रहकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुविधा उन श्रमिकों के लिए है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कमाने का कार्य करते हैं। यह योजना उनके बच्चों में परिवर्तन लाने वाली योजना है, जिससे श्रमिक कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है। उसको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके बच्चों की चिंता कर रही है। आने वाले दिनों में हर जिले में अटल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 100 दिन के अंदर प्राइवेट कंपनी में 25,000 श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया है। 50,000 नौजवानों के करियर काउंसलिंग के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया है। जो वादा नौजवानों से प्रदेश सरकार ने किया था, उस पर कार्य किया जा रहा है। संकल्प पत्र में सरकार ने कहा कि 5 साल के अंदर बाल श्रम खत्म कर देंगे। उस दिशा में भी 100 दिन के अंदर विभाग ने 200 स्थानों पर से बाल श्रम मुक्त किया है। आने वाले दिनों में 5 सालों के अंदर पूरे प्रदेश से बाल श्रम मुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में और श्रमिक सुधार के क्षेत्र में और विशेष तौर पर जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनके जीवन के सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला किया। पूरे प्रदेश में तकरीबन 1250 करोड़ की लागत से हर मंडल पर एक अटल आवासीय विद्यालय हम बना रहे हैं। अगला सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस विद्यालय को नवोदय की तर्ज पर चलाने का फैसला उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने लिया है, बल्कि नवोदय से भी बेहतर तरीके से संचालित करने का हम लोगों का संकल्प है। उसमें श्रमिक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी 1000 बच्चों को वहां रखने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आवासीय सुविधा। खास तौर पर ये उन श्रमिकों के लिए और उनके परिवार के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी रोजी को कमाने का काम करते हैं, ये उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली ये योजना है। उनके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना है। वो कहीं भी जाएं, अपना काम करें, बच्चों को लेकर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रमिकों के बच्चों की चिंता उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया है और अटल आवासीय विद्यालय हम लेके आए हैं। अभी तो हर मंडल पर एक बना रहे हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम हर जिले में एक आने वाले दिनों में अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। साथ ही अभी 100 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित कर विभाग ने काम किया है, उसमें हमारे सेवायोजन विभाग ने 25,000 बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नियोजित करने का काम किया। 18,000 का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 100 दिन के अंदर हमारे अधिकारियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया तो 25,000 निजी क्षेत्र में 25,000 लोगों को रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया।
मैं इस मौके पर जरूर मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि इसी 100 दिन के अंदर 10,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी से भी जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 50,000 बेरोजगार नौजवानों को हम कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हमने उनका मार्गदर्शन भी किया है। ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने अपना उदाहरण एक प्रस्तुत किया है कि हम कैरियर काउंसलिंग की भी बात कर रहे हैं। तो जो वादा नौजवानों से पार्टी ने किया था हम उस पर काम कर रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा काम 100 दिन के अंदर हम लोगों ने किया है। लोक संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा था कि आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को हम बाल श्रम मुक्त कर देंगे। उस दिशा में भी 100 दिन के अंदर हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के क्रम में विभाग ने सामूहिक प्रयास किया। तकरीबन 200 स्थान जो पहले से चिन्हित थे कि यहाँ बाल श्रम होता है, उन 200 स्थानों को बाल श्रम मुक्त करने का भी काम विभाग ने किया है। आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने का हम लोगों ने फैसला किया है। प्रतिष्ठान हम लोगों को देखने को मिलते थे, कोई भी आदमी है समाज में अपने मकान में अपना रहने का भी काम करता है और छोटी मोटी दुकान खोलकर अपने रोजगार का भी रास्ता वो खोजता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को हमने पंजीयन से मुक्त कर दिया है, ना ही उनके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता अब है और ना ही उसके नवीनीकरण जैसा कोई प्राविधान है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल में हम एक तरफ बड़े उद्योगपतियों का भी ख्याल रख रहे हैं, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनकी भी समस्याओं को सरकार ने समझने का काम किया है। एक अच्छा वातावरण का हम निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों की प्राथमिकता है कि श्रमिक का हित कहीं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर विभागीय समीक्षा मंडल की समीक्षा यहाँ है, विद्यालय के निरीक्षण का भी काम अभी 2 बजे के बाद हम लोग जाने वाले हैं। काफ़ी संतोषजनक प्रगति है। दिसंबर में अटल आवासीय विद्यालय सरकार को हैंडओवर होने वाले हैं और अगला सेशन हम चालू करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो ये कुछ बातों को लेकर आज गोरखपुर की सम्मानित प्रेस के साथ हम बैठे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत काशिम व वाहिद की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त काशिम पुत्र चाव सिंह निवासी मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा, दूसरा वाहिद पुत्र जुमरत निवासी मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा, तीसरा अंसार पुत्र वाहिद, चौथा शाकिर पुत्र सहजू निवासी गण ग्राम मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा एक सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उनकी ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा पहचान को प्रतिरूपण फेसबुक प्रोफाइल से फोटो की चोरी करके दूसरी फर्जी आईडी बनाकर चोरी किए गए फोटो को लगाकर छल द्वारा पैसे मांगना व पैसे प्राप्त करने हेतु बैंक में फर्जी तरीके से कूट रचित साक्ष्यों को असली के रूप में प्रयुक्त कर खाते को बैंक में खुलवाकर धन की प्राप्ति कर जीवन यापन का मुख्य आधार बना लिए थे, जिसको देखते हुए अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित
धन से अपने गांव मडौरा में एक एक मकान बनवाया गया था, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत तहसीलदार गोवर्धन जनपद मथुरा राजकुमार भास्कर व उप निरीक्षक मोहम्मद रिजवान थाना खोराबार द्वारा टीम के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से धन अर्जन कर निर्माण कराए गए मकान को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 15,82,000 रुपए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वाहिद पुत्र जमरत निवासी मडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 639/2000 धारा 3/1 गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्राम मडौरा में स्थित 2 कमरों का पक्का मकान को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेशानुसार वाद संख्या D20220531001989 राज्य बनाम वाहिद में पारित आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर। ये मकान अब हमने कुर्क कर लिया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज थाना खोराबार द्वारा एक नई मुहिम के माध्यम से साइबर अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर को लगाकर 14(1) धारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साइबर अपराधियों की घर कुर्की किया है, जिनके अपराधियों के नाम कासिम पुत्र चावसिंह और वाहिद पुत्र जुमरत हैं, जो जनपद मथुरा के रहने वाले हैं। इनकी टोटल 33 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, वो संपत्ति जब्त होने के कागजात प्रस्तुत किए हैं। उनमें से 11,26,000 रुपए का मकान 4 कमरों का पक्का मकान कासिम पुत्र चावसिंह का और वाहिद पुत्र जुमरत जिसका 4,56,000 रुपए का मकान एवं इनकी जमीन को भी अटैच किया गया है। और ये बात उल्लेखनीय है कि ये तीनों केस जिनके ऊपर गैंगस्टर बना था उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी की फेसबुक आईडी हैक कर उससे पैसे मांगने, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रोफाइल इम्परसोनेशन करके उसके माध्यम से उनके विभिन्न अधिकारियों से पैसे मांगने एवं सिविल न्यायालय गोरखपुर के एक अधिवक्ता का भी अकाउंट इम्परसोनेट करके उनके भी संबंधित लोगों से पैसा मांगने, तो इस तरह के तीनों मुकदमों के ऊपर गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई एवं इन साइबर अपराधियों को ढूंढ निकाला गया एवं उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये साइबर अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली पहली ऐसी मुहिम है जिसमें उन पर गैंगस्टर लगा के उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई गोरखपुर पुलिस करती रहेगी। थैंक यू। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में श्रम विभाग की योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिन निर्धारित कर उसका प्रचार प्रसार करते हुए प्रति माह कैंपों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सेस वसूली के लिए और अतिरिक्त प्रयास किया जाए तथा जनहित गारंटी अधिनियम में आए आवेदनों का समय से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्य भी नियमित रूप से करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच भी करें, श्रमिकों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए कार्य योजना भी बनाकर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8,40,00,000 श्रमिक ई श्रम में श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बाल श्रम चिन्हांकन, शैक्षिक पुनर्वासन, बाल श्रमिक विद्या योजना, नया सवेरा योजना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम से अधिष्ठान पंजीकरण, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम में श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिकों के आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड बनाने की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ठीक है ना, वो हम अलग हमारी रहती है, ये प्रांतीय सब आप लोगों ने काम किया, लगातार जाके आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब जब भारत सरकार हमारे साथ आता है सिलेक्ट कर लेगी तो हम उसको कुछ हो जाए गलत लोगों को निकालेंगे। कहते हैं
2024 से पहले निकाल कर लें, ठीक है ना, हम जिसका भी नाम काटने लगे कि वो नाराज हो, तो किसी भी सूरत में हम उनको नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले में भी हो रही है, होगी तो स्वाभाविक है। मतलब वो आप उनको छटनी कहाँ करेंगे, उनको निकालेंगे कहाँ, ये बात भूल जाइए। 1 करोड़ ऊपर से आने वाला है, लाभ इनको दीजिए, बड़ी साफ बात। तो इन बातों की समीक्षा करना बहुत अनिवार्य है। जो हमारा सेस कलेक्शन है, जो श्रमिकों से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर, जो 15-16 योजनाएं विभाग चलाता है श्रमिकों के हित में, उन बिंदुओं पर, उन योजनाओं पर, ऐसे तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार की रात से हुई झमाझम मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर हुआ जलमग्न। लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई बारिश सड़कों और गलियों में लगा घुटने तक पानी, लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हुई जल जमाव की स्थिति, शहर में बारिश के पानी को 2 से 3 घंटे के अंदर करा दिया गया खाली। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मंडल में बनाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय। श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी सुविधा। आने वाले दिनों में सभी जनपदों में विद्यालय बनाने का है लक्ष्य। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। खोराबार थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर मथुरा के कासिम व वाहिद की 15,82,000 रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। की जा रही है आगे की कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। श्रम विभाग की योजनाओं की प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में की मंडलीय समीक्षा बैठक। श्रम विभाग की योजनाओं का श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मूसलाधार बारिश में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी दलबल के साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एक कार में बियर पीते हुए मिले युवक, कार को तत्काल सीज करके भिजवाया गया यार्ड। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पूरे शहर में गलत नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों और काले फिल्म लगाए 4-व्हीलर की गई चेकिंग, उतरवाया गया काली फिल्म, सभी वाहनों का किया गया चालान। जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने भारी वर्षा की दी चेतावनी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले 2 दिनों तक है भारी बारिश की संभावना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में मूसलाधार बारिश में मोहद्दीपुर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी बलदल के साथ वाहनों का चेकिंग किया गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों के सीसा पर लगे काले फिल्म को निकलवाया गया तथा 2 पहिया वाहनों पर टूटे नंबर प्लेट एवं उखड़े हुए नंबरों के तहत चालान भी किया गया। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें बियर पीते हुए युवक मिले तथा उस गाड़ी को तत्काल सीज करके यार्ड में भिजवाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पूरे शहर में गलत नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इसके अलावा जो लोग अपने 4-व्हीलर पर काले फिल्म लगाए थे, उन गाड़ियों से काले फिल्म उतरवाया गया और नियमानुसार सभी वाहनों का चालान किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय, अजित कुमार पांडे, यातायात उप निरीक्षक विनित यादव, शैलेंद्र कुमार यादव तथा कांस्टेबल अजय कुमार, सोनू यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अगर एक सिग्नल होता है तो आप अपनी मांग करो,
का फॉलो करें। ग्रीन सिग्नल होता है, आप अपनी वहां से बाहर चले जाए। पांच लेन फ्री है, लेकिन पांच लेन का प्रयोग करते हुए अगर दाहिने आप अपने वाहन खुले भी जाएंगे तो आपके वहां का गाड़ियाँ जा रही हैं जिसमें नहीं शीशा उतार रहे हैं, 10 में से 100 गाड़ियाँ जा रही, किसी में शीशा नहीं उतार रहे। पकड़ के आप इधर आइए, आप देखिए ये क्या पड़ा हुआ है। यहाँ तो सैकड़ों हम देख रहे हैं जा रही है, देखिए ना कितना कुछ बनाएंगे, बताते हैं कितनी गाड़ियाँ जा रही है। ये देखिए आगे दो आगे गाड़ी के पूरे शहर में जो लोग गलत नंबर प्लेट लगा के चल रहे हैं, जिनका नंबर प्लेट का एक अंक मिटा हुआ है या नंबर प्लेट साफ नहीं है, ऐसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो लोग फोर व्हीलर पर ब्लैक फिल्म लगाए हुए हैं, उन गाड़ियों की ब्लैक फिल्म उतरवाई गई है और नियमानुसार सभी वाहनों का चालान किया जा रहा है। मोहद्दीपुर पे बड़ी कार्रवाई हुई है आज, जिसमें सीओ कैंट, इंस्पेक्टर कैंट,
ट्रैफिक पुलिस सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। जनपद में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी। मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है, उम्मीद है कि अगले दो दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा और भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनपद में वज्रपात की वजह से एक जगह जनहानि हुई है। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत सहायता दी जा रही है और नागरिकों से अपील की जा रही कि बारिश के समय में घर से बाहर ना निकले, यदि निकलना भी है तो दामिनी ऐप पर देखकर बाहर निकले, जिससे वज्रपात से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी, जो कि उसी आधार पर अभी बारिश हो भी रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो दिनों तक भी इस तरह का मौसम बना रहेगा और कुछ जगहों पे फिर भारी से अधिक भारी वर्षा भी हो सकती है, तो लिहाजा भी मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। क्या लग रहा कहीं से कहीं जानमाल के देखिए वज्रपात के कारण कुछ जगहों पर एक जगह पे जनहानि हुई है सदर क्षेत्र में, तो उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत समुचित सहायता दी जा रही है और लगातार जन समुदाय को ये से आग्रह किया जा रहा है कि दामिनी ऐप का प्रयोग करें, घर से बाहर न निकलें, यदि कहीं बहुत आवश्यक है कहीं जाना है तो एक बार जरूर दामिनी ऐप को चेक कर लें कि किस तरह किस क्षेत्र में वज्रपात होने की संभावना है, तो उस अनुसार ही आगे ये रणनीति बनाएं और कोशिश करें कि घरों में ही रहें, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो काफी चेंज है इस समय। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार की रात से हुई झमाझम मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर हुआ जलमग्न। लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई बारिश सड़कों और गलियों में लगा घुटने तक पानी, लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हुई जल जमाव की स्थिति, शहर में बारिश के पानी को 2 से 3 घंटे के अंदर करा दिया गया खाली। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मंडल में बनाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय। श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी सुविधा। आने वाले दिनों में सभी जनपदों में विद्यालय बनाने का है लक्ष्य। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। खोराबाट
थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर मथुरा के कासिम व वाहिद की 15,82,000 रुपए की संपत्ति को किया कुर्क की जा रही है। आगे की कार्रवाई एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। श्रम विभाग की योजनाओं की प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में की मंडलीय समीक्षा बैठक। श्रम विभाग की योजनाओं का श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मूसलाधार बारिश में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी दलबल के साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एक कार में बियर पीते हुए मिले युवक, कार को तत्काल सीज करके भिजवाया गया यार्ड। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पूरे शहर में गलत नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों और काले फिल्म लगाए फोर व्हीलर की गई चेकिंग, उतरवाया गया काली फिल्म, सभी वाहनों का किया गया चालान। जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने भारी वर्षा की दी चेतावनी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले दो दिनों तक है भारी बारिश की संभावना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।